सुपर अंधे स्मार्ट आर्ट। मन ऊब चुका है उन्हीं पुरानी सब्जियों से, तो आज कुछ चटपटा बनाते हैं और इसमें हम बनाएंगे लहसुन की चटनी, जो बहुत ही डिलीशियस बनती है। चपाती के साथ सर्व करें और ज़रूर बनाएंगे आप जब आप इस इजी सी रेसिपी को देखोगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लहसुन की चटनी। लहसुन की बढ़िया सी चटनी के लिए हम ले रहे हैं लहसुन, जो कि ऑलमोस्ट 100 कलियां हैं उसकी। और इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे पास सूखी लाल मिर्च, और नेक्स्ट इसी के साथ है बिल्कुल फ्रेश रेड चिली। सो लाल मिर्च है, बहुत ही जायकेदार बनने वाली ये चटनी को हमने मिर्ची से बनाना है। तो मिर्ची जो हम ले रहे हैं ड्राई मिर्ची का, इस तरह से हमने डंठल हटा लेना है। और अगर आप चाहो तो आप इसमें से इसके बीज सेपरेट कर सकते हो, इससे ये कम तीखी हो जाएगी। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो आप इस तरह से कीजिए, नहीं तो इसी तरह से भी हम डंठल हटाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो ड्राई हमने मिर्ची ली थी उसमें हमने वाटर डालना है ऑलमोस्ट इतना कि जिसमें मिर्ची भीग जाए, और ये हल्का गर्म पानी है। और इस तरह से हमने मिर्ची को भिगो कर रखना है पूरे आधे घंटे के लिए। लेकिन ख्याल रहे कि जो ड्राई मिर्ची है हम सिर्फ उसी को भिगो रहे हैं, फ्रेश मिर्ची को वैसे ही यूज़ करेंगे। आधा घंटा हो चुका है और मिर्ची अच्छे से भीग गई है, और अब हमने इसमें से सारा पानी ड्रेन कर देना है, क्योंकि पानी के रहते ये ज़्यादा तीखी हो जाएगी, इसलिए पानी निकाल देंगे। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसके अंदर हमने सारी मिर्ची को शिफ्ट कर लेना है। और इसी के साथ जो हमारे पास बाकी का सामान है, जो फ्रेश रेड चिली है, और इसी के साथ लहसुन, सारा लहसुन हमने इसके अंदर शिफ्ट करके कवर करके ग्राइंड कर लेंगे। और जब हमने इसे ग्राइंड करना है तो बहुत ध्यान रखना होगा कि एक ही बार में हमने इसे ग्राइंड नहीं करना, धीरे धीरे हम इसे ग्राइंड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है वो मोटा रहे। ग्राइंड हो जाने के बाद बस कुछ इस तरह का मिक्सचर तैयार हुआ है, और अब बारी है इसे पकाने की। चटनी बनाने के लिए अब हम लेंगे एक पैन, और उसके अंदर हमने लेना है मस्टर्ड ऑयल, जो कि हाफ कप है, कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहो तो कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हो। सो आधा कप हमने सरसों का तेल लिया है, इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल के गर्म होते ही इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, और ये एक चम्मच है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर ये थोड़ा सा भी जल गया तो टेस्ट सारा चेंज हो जाएगा। और इसी के साथ डालेंगे पेस्ट जो हमने अभी तैयार किया था, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। इसे पकाने का एक बहुत ही सिंपल सा टिप है, और वो ये कि आपको इसे बिल्कुल सिंपल ही पकाना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, क्योंकि हमारे पास कोई सा भी बेस नहीं है। लहसुन और मिर्ची जल्दी जलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमने इसे पकाना है, जलाना नहीं है, इसलिए धीमी आंच पर ही हम इसे पकाएंगे। लगातार चलाते हुए हमने इसे पकाया है, और अच्छे से जो हमारे मिक्सचर है वो पक चुका है, और इसने ऑयल प्रॉपरली रिलीज़ कर दिया है। सो अब हम इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच नमक, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि ये चटनी है तो चटपटी तो होगी ही। तो इसके लिए हम डाल रहे हैं इसके अंदर अमचूर, जो कि 2 चम्मच है, और फ्रेश वाला अमचूर ही यूज़ करें। कुछ लोग इसकी जगह पे विनेगर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन विनेगर प्रिजर्वेशन बढ़ा देता है, लेकिन बढ़िया टेस्ट अमचूर से ही आता है। और अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बस चटनी तैयार है। इसके साथ ही फ्लेम को करेंगे बंद, और इसे हम एक अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। और बस तैयार हो गई झट से लहसुन की एक चटपटी सी चटनी, बहुत ईजी है और बहुत ही डिलीशियस भी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।